नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त मनु मोड़। ते क्वेश्चंस किन्ने इंपोर्टेंट ने यह दसण विच मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि तुहानू ऑलरेडी पता है किन्ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने। ते सीधा बाजी वीडियो स्टार्ट कर लैंदे हां। फर्स्ट क्वेश्चन की गल करिए, लोकतंत्री देश लई इन्हां विचों की जरूरी है? आजाद अते निरपक्ष चोणां, मौके की बराबरी, अधिकारां दी सुरक्षा, जां इह सब? जरूर दोस्तों, यह सब जरूरी है। जो लोकतंत्री देश घोषित किया गया है तो इस सब दी इन्हां तिन्नी ऑप्शन की आपां जरूरत पैंदी है। तो सैकेंड नंबर क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार किहड़े शोध द्वारा संशोधित की गई? दोस्तों पहली बार जो ये शोध होया सी 42वां अमेंडमेंट 1976 जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली बार शोध किया गया सी। क्वेश्चन नंबर 3 की गल करिए, साडे राष्ट्रीय झंडे विचकार धर्म चक्कर का रंग की है? जो अपने नैशनल फ्लैग के अशोका चक्कर कह दें आप जिन्हों, उसका कलर केड़ा है? नैवी ब्लू कलर होंगे दोस्तों इसका। फोर्थ क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, एक कानून न्यायपालिका द्वारा बनाया जाता है जिसनों जाने जाता है किड़े नाम नाल जाने जाता है? इसनों दोस्तों साझा कानून या केस कानून कहा जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होंगे? दोस्तों मुख्यमंत्री जो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, मनी बिल किस दे सिफारिश तो बाद राज विधानसभा शुरू होंगे? दोस्तों गवर्नर की सिफारिश तो बाद राज विधानसभा मतलब स्टेट विधानसभा यह शुरू होंगे। हेठ लिखा अगे चलने तो पहले दोस्तों, जो तुम पोल्ट्री के 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल परचेज़ यानी बाय करना चाहते हो तो मैं इस इंस्टाग्राम ID उपर मैसेज कर सकते हो। ये क्वेश्चन की PDF फाइल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाती है। ओके दोस्तों, नैक्सट सवाल की गल करिए, हेठ दिए राज्यों के विचकार एक विधानसभा क्षेत्र है, इन्होंने चारों में सिर्फ बिहार की ही विधानसभा क्षेत्र है तो पंजाब बंगाल तो पंजाब उड़ीसा विधानसभा नहीं है? तो आजाद भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी? दोस्तों ये शायद पिछली क्लास में भी तुम्हें मैं दसिया से, तो करके मैं इसका आंसर इस PDF फाइल में नहीं लिखा। इसका आंसर तुम मैं कमेंट बॉक्स में लिख के दसोगे कि आजाद भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की गल करिए दोस्तों, राज की पहली मुख्यमंत्री कौन सी? मतलब भारत में जो स्टेट की CM बनी सी वह कौन सी? तो इसका नाम सुचेता कृपानी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए दोस्तों, भारत में पंचायती राज की प्रणाली संविधान के किस आधार के निर्देश हेठ पेश की गई थी? आर्टिकल 40 पंचायती राज प्रणाली संविधान की धारा के निर्देश हेठ पेश की गई थी। तो 11th क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, भारत में 3 पद्धरी पंचायत राज प्रणाली किस द्वारा प्रस्तावित की गई थी? दोस्तों एक कमेटी से बलवंत राय मेहता कमेटी, उस थ्रू जो जो 3 पद्धरी पंचायती राज प्रणाली से वह बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा रखी गई थी। दोस्तों हाई कोर्ट 12वें क्वेश्चन की गल करिए, हाई कोर्ट के जज की पेंशन किहड़े विभाग द्वारा प्रोवाइड होंदी है मिलती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैनू भी नहीं मिलया, बट यह ग्रुप D के एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन से, तो मैं भी काफ़ी सर्च किया तो बट मैं नहीं मिले। उम्मीद है तुम इसमें सर्च करके मैं जरूर कमेंट में दस दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए दोस्तों, प्रसिद्ध वीटो द्वारा संविधान में शोध करने का तरीका किस देश तो शामिल किया गया? दोस्तों स्विट्जरलैंड तो यह शोध करने का तरीका अपनाया गया है। भारत के संविधान किस द्वारा तैयार किया गया? संविधान सभा में यह दोस्तों सबनों पता ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, किस शोध द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी के तौर पर नियुक्त किया गया? दोस्तों अमेंडमेंट 69 नंबर का अमेंडमेंट से यह, तो 1911 दिल्ली में भारत की राजधानी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के मंत्रियों की कौंसल कौन नियुक्त करता है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के मंत्री होंगे, मंत्रिमंडल होंगे जोड़े, उन्होंने कौंसल नियुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने लिए घट्टो घट्ट उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल उम्र घट्टो घट्ट होनी चाहिए है। तो 18 नंबर क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, भारत संविधान में किस लेख में उपराष्ट्रीय राष्ट्रपति के शामिल बारे दसा गया है? आर्टिकल 63 में दोस्तों उपराष्ट्रीय बारे मैनशन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, भारतीय संविधान का किहड़ा हिस्सा बुनियादी यानी अपने जो फंडामेंटल राइट्स ने उस नाल संबंधित रखता है? दोस्तों पार्ट नंबर 3 भाग नंबर 3 ते आर्टिकल 12 तो लैके 35 विच अपने जो फंडामेंटल राइट्स ने उन्हां बारे दसा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, कौन मौलिक अधिकार का रखवाला है? अपने जो फंडामेंटल राइट्स ने उसका रखवाला आप किसी कह सकते हैं? तो जुडिशरी अपना हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट का जज
ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜੋ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।